वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास स्टैंडर्ड 4 ईवीएस लेसन 10 कबड्डी 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 पार्ट 1 वी हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट बुक्स नाउ पार्ट 2 में बख्शी गई है. तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू फर्स्ट 1 खोखो इज ए प्लेइंग गेम. खोखो जो गेम है वो किस टाइप का गेम है. ऑप्शन इज ए टीम इंडोर गेम है या इंडिविजुअल. तो खोखो इज अ टीम गेम उसमें टीम वर्क होता है तो वो टीम गेम है. तो ऑप्शन आंसर आएगा ए. सेकंड वेट लिफ्टिंग इज एन ब्लैंक स्पोर्ट. वेट लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है वो कौन सा है इंडिविजुअल है इंडोर है या बोथ ऑफ दिस. जो वेट लिफ्टिंग है वो स्पोर्ट है वो इंडोर है इंडोर गेम में आता है. तो ऑप्शन आएगा बी. थर्ड वन हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व इन अ क्रिकेट मैच. कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं क्रिकेट मैच में को खेलने के लिए. तो ऑप्शन इज ए 11 बी 22 या सी 20. तो आंसर विल कम 11 आएगा आंसर. नाउ क्वेश्चन बी फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो ये जो ब्रैकेट में जो उसके जो आंसर है ब्रैकेट में उसमें से यू हैव टू चूज द आंसर्स. फर्स्ट ब्लैंक वी मेक ब्लैंक इन अवर लाइफ लिव्स द वे वी डूइंग गेम्स. तो वी मेक इस ब्रैकेट में से कौन सा आएगा. तो वी मेक रूल्स आंसर आएगा रूल्स. रूल्स हम बनाते हैं हमारी लाइफ को जब हम जैसे गेम में होता है उसी तरह हमारे लाइफ में भी हमको रूल्स होने चाहिए. सेकंड वन इन केस ऑफ एन ब्लैंक विल लिसन टू बोथ साइड्स एंड देन डिसाइड. जब हम कोई भी गेम खेलते हैं मतलब कुछ भी वो होता है बोथ साइड में और देन तो वो कौन डिसाइड करता है. उसमें क्या होता है आर्ग्यूमेंट होती है ठीक है ना. विल लिसन टू बोथ साइड्स एंड देन डिसाइड दोनों टाइप के सुन के फिर वो डिसीजन लेते हैं. थर्ड वन इन गेम ऑफ खोखो यू गेट आउट व्हेन समवन ब्लैंक यू. तो जब आप खोखो गेम खेलते हो तो उसमें आउट किस तरह होता है. तो इसमें ब्रैकेट में से आएगा टचेस मतलब आपको अगर कोई टच करता है तब आप उसमें आउट कहलाएंगे. फोर्थ वन मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज ब्लैंक ओल्ड. जब मलेश्वरी जो गर्ल थी उसने जब स्टार्ट किया वेट लिफ्टिंग का तब वो कितने साल की थी. तो आंसर आएगा ब्रैकेट में से 12 ईयर्स ओल्ड. फिफ्थ वन व्हेन ज्वाला लीला एंड हीरा वेयर ब्लैंक गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू प्ले कबड्डी. जो तीन सिस्टर थी ज्वाला लीला एंड हीरा तो मतलब कौन सी एज थी तब उनको अलाउड नहीं किया जाता था टू प्ले कबड्डी. तो यंग गर्ल्स जब वो यंग थी तब उनको अलाउड नहीं किया जाता था टू प्ले कबड्डी. सिक्स वन द प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी ब्लैंक. तो प्लेयर्स को क्या करना चाहिए अगर मैच जीतना हो तो उनको हार्ड वर्क करना चाहिए. हार्ड आएगा वेरी हार्ड उनको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ती है. नाउ क्वेश्चन ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. फर्स्ट वन हुज डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट इन एनी गेम. किसका डिसीजन रिस्पेक्ट मतलब उसका जो उनका जो डिसीजन होता है वो मानते हैं जब आर्ग्यूमेंट होती है आउट है कि नहीं आउट है. तो आंसर आएगा इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट इन गेम द डिसीजन ऑफ रेफरी शुड बी रिस्पेक्टेड. जब आर्ग्यूमेंट होती है कोई भी गेम में तो जो डिसीजन होता है फाइनल डिसीजन वो रेफरी का होता है और उनको हमको मानना चाहिए उनका जो भी डिसीजन वो. सेकंड वाई सेंटर लाइन वेरी इंपॉर्टेंट इन कबड्डी. सेंटर लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है कबड्डी गेम में. आंसर आएगा द सेंटर लाइन इन कबड्डी गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ एनी प्लेयर टचेज द सेंटर लाइन इट इज सेड टू बी आउट. जब सेंटर लाइन कबड्डी में हमने देखा था पार्ट वन में जो वो टच करेगा वो प्लेयर उसको तब वो आउट कहलाएगी सेड टू बी आउट. सेंटर लाइन को टच करना पड़ता है. नाउ क्वेश्चन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग. फर्स्ट वन When does one get out in the कबड्डी game? कब कोई आउट होता है जब कबड्डी गेम में कब आउट कहलाता है. तो आंसर आएगा देर आर थ्री वेज टू गेट आउट इन कबड्डी गेम. उनके थ्री वेज है कौन कौन सी चीजों में वो आउट कहलाएगा. तो उनके थ्री पॉइंट है. फर्स्ट वन इफ ही स्टॉप बाय द ऑपोजिशन प्लेयर्स वाइल ऑन हिज मूव. अगर ऑपोजिशन प्लेयर को वो स्टॉप कर पाता है उनके मूवमेंट पे जब उसको टच करते हैं उसके बाद तब वो आउट कहलाता है. सेकंड पॉइंट If he touches opposition player and opposition team could not stop him. अगर वो टच कर लेता opposition player को और opposition team उनको रोक नहीं पाती है तब वो out कहलाता है. Third point, if he loses his breath. तो आपको मालूम होगा कि कबड्डी गेम में जब हम खेलते हैं तब जो कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है अगर वो स्टॉप हो गया बीच में उनकी ब्रेक ले लिया तब वो आउट कहलाता है. Now, second question. डिस्क्राइब द गेम ऑफ कबड्डी. कबड्डी का गेम डिस्क्राइब मतलब किस तरह खेलते क्या होता है उसमें इसके आंसर है.
आंसर इज कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स ऑफ 12 प्लेयर्स ईच. कबड्डी जो गेम होता है उसकी दो टीम होती है, 12 प्लेयर्स ईच होते हैं. वेयर वन टीम बिकम्स द रेडर्स एंड द अदर टीम एंटी रेडर्स. जो एक टीम होती है उसमें रेडर्स यानी कि जो उनको मतलब गुमराह करते हैं, मतलब उसको उनको रोकते हैं जब वो टीम में खेलते हैं तब. सेवन प्लेयर्स शैल टेक द ग्राउंड एट अ टाइम एंड द रिमेनिंग फाइव प्लेयर्स शैल बी रिजर्व. सेवन प्लेयर एक टाइम पे खेल सकते हैं और जो पांच प्लेयर है वो रिजर्व रहते हैं. तो सेवन एंड फाइव ट्वेल्व हो गए, वो रिजर्व रहते हैं. जब कोई आउट होता है तो उसके बाद वो रिजर्व प्लेयर तो उसमें से वो आते हैं. द रेडर हैज टू गो टू द ऑपोजिशन कोर्ट विथ कंटिन्यूस क्लियर साउंड रेसिटेशन अलाउड ऑफ द वर्ड कबड्डी कबड्डी. तो रेडर जो उनका जो टीम वर्क होता है वो जो ऑपोजिशन कोर्ट पे जाता है और उनको कंटिन्यूस क्लियर साउंड मतलब उनको एक साउंड लगाना है और वो भी जोर से ऊंची आवाज लगानी है वर्ड कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूस उनको बोलना है तभी वो गेम मतलब वो खेल सकते मतलब वो कंटिन्यू रह सकते हैं. तो ये हो गया हमारा वर्कशीट कंप्लीट है इधर. और यू कैन राइट दिस वर्कशीट इन योर ईवीएस नोटबुक एंड लर्न इट. ओके थैंक यू.